नमस्कार प्रणाम, मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ बेसन की एक नई रेसिपी जो कि बहुत ही खुशबूदार एवं स्वादिष्ट है। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें किस प्रकार से बनाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, बेसन की रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने 500 ग्राम बेसन ले लिया है जो कि ओरिजिनल बूट वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बेसन में क्या करता हूँ, ये मेरा पानी था जो कि उसको उबालेंगे। ये देखिए, मैं अपना बेसन में हल्दी डाल रहा हूँ, आधा छोटी चम्मच हल्दी डालें। और इसमें देखिए थोड़ा सा सोडा डाल रहे हैं, जो कि आप देखिए कितना डाल रहे हैं बेसन को खिलने के लिए। तो इतना हल्का सा सोडा डाल दिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, तो फ्रेंड इसको इसमें नमक थोड़ा डाल देते हैं, जो कि आप चम्मच से डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। और ये है देखिए मेरा जमाइन मगरेला, जो कि जमाइन मगरेला मैंने इसमें डाल करके और पानी से इसको सान देना है। ज़्यादा गीला नहीं सानना है और ज़्यादा टाइट नहीं, मीडियम से थोड़ा हार्ड। देखिए दोस्तों किस प्रकार से मैंने इसको सान दिया। अब फ्रेंड अब इसको क्या करेंगे, जो पानी है पानी को पहले उबालेंगे। तो देखिए फ्रेंड क्या करते हैं, इसको बेसन को हाथ से इस प्रकार से गोल गोल कर देना है। हाथ में तेल लगा कर करेंगे तो अच्छा रहेगा, चिकनाहट रहेगा। तो देखिए किस प्रकार से हाथ में तेल लगा लिए हैं और गोल गोल करके इसको रख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए किस प्रकार से हम बेसन की नई रेसिपी को तैयार करते हैं। तो ये देखिए पानी को उबाल दिए थे, गर्म होने के बाद दोनों बेसन की रेसिपी को मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए किस प्रकार से उबाल आ रहा है और इसको अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट तक सिझाएंगे। देखिए सिझने के बाद क्या होता है, ये फटने लगता है, जो कि देखिए किस प्रकार से फटने, मतलब कि मेरा ये आइटम सिझ गया। तो सिझ गया, अब ये देखिए अभी खोल रहा है, ये देखिए सिझ गया। अब इसको हम उतार दिए क्योंकि ये मेरा सिझ गया है। अब इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं किसी बर्तन में निकालना होगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसको ये है मेरा बेसन जो कि हमने निकाल दिया। अब इसको क्या करते हैं, रस्सी के माध्यम से आप अपने हिसाब से साइज को काटेंगे। अगर आपको छोटा चाहिए तो छोटा काटेंगे, बड़ा साइज चाहिए तो बड़ा साइज काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने किस प्रकार से अपने साइज के अनुसार से इसको छोटे छोटे भाग में काट दिया। थोड़ा सा बच रहा है, देखिए मेरा रेसिपी को काट करके मैंने तैयार कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यह है कढ़ाई जिसमें मैंने तेल डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसको छानेंगे, तलेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से हम इसको एकाएक करके तल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है इसका रेसिपी खाने में। तो फ्रेंड तब तक तलता है, तब तक आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा देंगे। हाँ, और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड अब क्या करते हैं, दूसरी बार इसको तल रहे हैं। इसी प्रकार से जितना भी पीस होगा आप सभी को तल लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा लाल कर देंगे, ज़्यादा इसको। ये देखिए मैंने प्याज काट के रखा हूँ, 250 ग्राम प्याज है, या लहसुन है। इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो कि देखिए ये धनिया है मेरा, इसको भी काट लेते हैं। अब इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे, आप अपने तरीके से इसमें मसाले आप तैयार कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से मसाले तैयार करता हूँ। तो देखिए हम किस प्रकार से मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए मैंने इस मसाले को तैयार करने के लिए, ग्रेवी को तैयार करने के लिए मैंने ये देखिए हल्दी, गुंडी, धनिया, जीरा लिया हूँ। यह देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, तो कुछ और बच के इसको भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। और कुछ ही समय में मैं इसमें प्याज का ग्रेवी बनाऊंगा, जो कि देखिएगा किस प्रकार से हम बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर देंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैंने देखिए ये टमाटर भी काट दिया हूँ। ये देखिए मैंने तेल उसको
तलने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसों डाले हैं। अब क्या करते हैं, मैंने प्याज में इस प्याज को ग्रेवी बनाएंगे इसलिए इसमें प्याज डाल दिए हैं। आप इसमें सरसों नहीं भी डाल सकते हैं, सिर्फ प्याज का ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो आप अपने तरीके से ग्रेवी को तैयार करेंगे, उसके बाद देखिए कब हम इसको डालते हैं, जो इसको तले थे बेसन को। तो देखिए मैंने प्याज को चला कर मतलब कि तैयार कर दिया। अब इसमें मसाला सब मसाला डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा मसाला, जीरा है, और वो देखिए जीरा को मैंने डाल दिया सबसे पहले। आप अभी हल्दी डाल देंगे, हल्दी मैंने बाद में डाला है, आप अभी डालें। तो देखिए फ्रेंड हुआ था गोलकी, ये है धनिया, ये है गुंडी, मैंने गुंडी भी डाल दिया। अब सभी को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। भूनते भूनते प्याज को गला देना है और ग्रेवी के रूप में तैयार करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से ग्रेवी के रूप में तैयार करते हैं। यह है MDH मसाला, जो कि मसाला मैं डाल देता हूँ इसमें। आप अपने तरीके से मसाला ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डालकर बना सकते हैं अपने घर में। बहुत से आसान तरीके से मैं बताऊँगा बेसन की नई रेसिपी। तो देखिए मैंने गर्म मसाला भी डाल दिया इसमें। फ्रेंड देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसमें अब हल्दी डालते हैं। हल्दी हम बाद में डालते हैं, आप पहले डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। अब हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये देखिए मैंने लहसुन भी चूर कर रखा था, अब लहसुन को इसको डाल देते हैं। ये देखिए खुशबू मेरे यहाँ आ रहा है, आपके यहाँ तो जा नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, आप भी बना करके स्वादिष्ट खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मेरा ये ग्रेवी तैयार हो गया। अब कुछ देर में इसमें क्या करते हैं, मेरा ग्रेवी को तैयार होने के बाद इसमें पानी डालेंगे। जो कि देखिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि वो बेसन जो होता है पानी को टानता है, इसलिए इसमें पानी हम ज़्यादा डालेंगे। देखिए कितना सारा पानी डाल दिए हैं। ग्रेवी बनाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, गर्म मसाला MDH। तो देखिए फ्रेंड ये खोल गया। अब इसमें क्या करते हैं, वो जो बेसन को तले थे वही तले हुए बेसन को इसमें डाल देंगे। तो ये रहा मेरा तला हुआ बेसन, अब इसको हम मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मैं इसको डाल दिया। अब इसको 10 से 15 मिनट तक खोलने के लिए देंगे, जिससे क्या होगा, सारा ग्रेवी वाला रस जो है ये पेस जाएगा, जो कि बहुत। अब इसमें धनिया डाल देते हैं, हरा मिर्चा भी आप काट के डाल सकते हैं फर्स्ट टाइम। अब अपने तरीके से मसाले को तैयार करिएगा ग्रेवी को। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मैंने बनाया, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखने में, खाने में भी तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड देखिए किस प्रकार से मैंने इसको अच्छी तरीके से सिझा लिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इसको खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।